हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगी। 56 तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 57 से अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये सारे क्वेश्चन NCERT बुक के ही कलेक्शन है। तो अभी हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑल सक्सेशंस वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और ऑन लैंड प्रोसीड्स टू विच क्लाइमेक्स कम्युनिटी? फर्स्ट इज हाइड्रिक, सेकेंड इज जेरिक, थर्ड इज मेजिक एंड फोर्थ इज हेलोफाइटिक। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड, मेजिक। कोई भी सक्सेशन जो है आइदर वाटर में हो और लैंड पे हो वो और टू विच क्लाइमेक्स कम्युनिटी प्रोसीड्स टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो मेजिक से होता है। तो यहाँ पे 57 का जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एटमॉस्फेयर? फर्स्ट सोयल, थर्ड सेकेंड मॉइस्चर, थर्ड पीएच एंड टेम्परेचर एंड फोर्थ ऑल द अबव। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑल द अबव। वो सोयल और मॉइस्चर और पीएच एंड टेम्परेचर सब जो है वो रेगुलेट करते हैं रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू एटमॉस्फेयर। तो 58 का आंसर जो है वो फोर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन इज, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन कंस्टिट्यूट द ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म? फर्स्ट 49%, सेकेंड 71%, थर्ड 30% एंड फोर्थ 20%। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो वन हो जाएगा, 49%। 60 नंबर क्वेश्चन इज, हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इनटू बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली? फर्स्ट 2 × 10⁻³ केजी, सेकेंड 4 × 10⁻³ केजी, थर्ड 5 × 10⁻³ केजी एंड फोर्थ 6 × 10⁻³ केजी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 4 × 10⁻³ केजी। NCERT में ये लाइन लिखी हुई है, आप लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। अभी हम लोग 61 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोलॉजिकल सर्विस? फर्स्ट जनरेशन ऑफ फर्टाइल सोयल, सेकेंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉर्मेशन, थर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फोर्थ क्रॉप पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, प्रोडक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो 61 का आंसर जो है वो थ्री हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन इज, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज कलीग्स हैव पुट प्राइस टैक्स ऑन नेचर लाइफ सपोर्ट सर्विसेज विथ रेफरेंस टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फर्स्ट फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विस, $33 trillion, सेकेंड इज सोयल फॉर्मेशन $17.5 trillion, थर्ड नंबर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग $3.3 trillion एंड फोर्थ क्लाइमेट रेगुलेशन $5 trillion। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो हो जाएगा फोर्थ, क्लाइमेट रेगुलेशन $5 trillion। तो 62 का आंसर जो है वो फोर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग फर्स्ट एंड्स। तो इसका कितना स्पीसीज प्रेजेंट होता है वो हम लोग को देखना है। फर्स्ट में है मोर देन 20,000, सेकेंड में मोर देन 28,000, थर्ड में है मोर देन 3 लाख स्पीसीज एंड फोर्थ में मोर देन 20,000। तो यहाँ पे जो इसका होगा वो एंट्स का जो स्पीसीज है वो मोर देन 20,000 स्पीसीज है, दिया हुआ है बुक में भी, तो वहाँ से हम लोग देखेंगे। फिर बीटल्स की बात आती है, बीटल्स के कितने स्पीसीज होते हैं? फर्स्ट में है 20,000, सेकेंड 28,000, थर्ड 3 लाख, मोर देन 3 लाख स्पीशीज जो है वो बीटल्स के होते हैं। उसके बाद फिशेज़ के मोर देन 20,000 होते हैं, और फिशेज़ के मोर देन 28,000 होते हैं और ऑर्किड्स के होते हैं मोर देन 20,000। तो यहाँ पे 63 का जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। ये सारा डाटा याद रखेंगे हम लोग। अब 64 नंबर क्वेश्चन इज, इन बायोस्फीयर डाइवर्सिटी हेट्रोजेनिटी एग्जिस्ट एट? फर्स्ट स्पेशीज लेवल, सेकेंड माइक्रोमोलिक्यूल लेवल, थर्ड बायोमास लेवल एंड फोर्थ ऑल द अबव। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा, ऑल द अबव। तो 64 का आंसर जो है वो फोर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन इज, टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज बाय? फर्स्ट एडवर्ड विल्सन, सेकेंड होमबोल्ट, थर्ड टिलमान एंड फोर्थ पॉल एन रिल्ज। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट एडवर्ड विल्सन। तो
तो 65 का आंसर जो है 1 हो जाएगा. 66 नंबर क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी इन इंडिया हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ रिच राइस एंड मैंगो वेराइटीज़ प्रेजेंट. राइस और मैंगो के कितने वेराइटीज़ प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है 50,000 राइस के और 10,000 मैंगो के, सेकेंड में है 1,000 राइस के एंड 50,000 मैंगो के, थर्ड में है 50,000 राइस के और 1,000 जो है वो मैंगो के. तो ये सही ऑप्शन है, तो 66 का जो है थर्ड हो जाएगा आंसर. 66 का आंसर इज 3. 67 नंबर क्वेश्चन इज फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट, बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड, अ सिंगल स्पीशीज कैन नॉट शो मोर डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल. तो ये ऑप्शन जो है वो गलत लग रहा है, आगे देखते हैं. वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड फोर्थ, ये सही था. और फोर्थ है, इंडिया हैज़ ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन कंट्री. तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो गलत है, तो 67 का 2 हो जाएगा. 68 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IUCN हाउ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो फार. फर्स्ट 1.5 बिलियन, सेकेंड 1.5 मिलियन, इतना 1.5 मिलियन है इसका आंसर हो जाएगा. 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. 69 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड इज थॉट टू बी बेस्ट फॉर एस्टिमेशन ऑफ माइक्रोबल बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट बायो स्टैटिकल मेथड, सेकेंड बायो केमिकल और मोलिकुलर मेथड, थर्ड पेलियो बोटेनिकल मेथड एंड फोर्थ कल्चर मेथड. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बायो केमिकल और मोलिकुलर मेथड. तो 69 का आंसर जो है वो 2 हो जाएगा. 70 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी. फर्स्ट 2.4%, सेकेंड 12%, थर्ड 8.1% एंड फोर्थ 7.1%. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 8.1%. 70 का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा. 71 नंबर क्वेश्चन इज फाइंड आउट द राइट वन. फर्स्ट, इंडिया हैज 7.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी. इसमें हम लोग को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो फर्स्ट ये गलत है, 8.1 होगा. सेकेंड, इंडिया इज़ वन ऑफ द 22 मेगा सेंटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड. थर्ड है, अकॉर्डिंग टू मेयर्स ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार. ये लाइन सही है, NCERT में भी ये लाइन दी हुई है. तो 71 का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा. 72 नंबर क्वेश्चन है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स अपॉन. फर्स्ट लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, सेकेंड एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट, थर्ड स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एंड फोर्थ ऑल द अबव. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ ऑल द अबव. तो 72 का आंसर जो है वो 4 हो जाएगा. 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. 73 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू बर्ड स्पीसीज. फर्स्ट कोलंबिया में कितने बर्ड स्पीसीज होते हैं वो हम लोग को देखना है. तो कोलंबिया में 1400 होते हैं, ये डाटा याद रखना होगा. कोलंबिया में 1400 होते हैं, न्यूयॉर्क में 105 होते हैं, ग्रीनलैंड में 56 होते हैं और इंडिया में 1200 होते हैं. तो 73 का आंसर जो है वो 4 होगा, याद रखेंगे ये सारा डाटा. 74 नंबर क्वेश्चन है, फॉर अमेजोनियन फॉरेस्ट फाइंड आउट रॉन्ग मैच. फर्स्ट, प्लांट्स जो हैं वो मोर देन 40,000 स्पीशीज हैं, फिशेज जो है वो 3,000 स्पीसीज हैं, बर्ड्स जो है वो 1,300 स्पीसीज हैं एंड मैमल्स इज 378 स्पीसीज. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मैमल्स 378 स्पीसीज. ये रॉन्ग है, वो ऊपर के तीनों सही हैं. तो 74 का आंसर जो है वो 4 हो जाएगा. 75 नंबर देखेंगे. 75 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीज़न ऑफ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स. फर्स्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइमेट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, सेकेंड लेस सीजनल वेरिएशंस, थर्ड मोर न्यूट्रिटिव सॉइल एंड फोर्थ मोर सोलर एनर्जी. तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हो जाएगा मोर न्यूट्रिटिव सॉइल. तो 75 का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा. 76 नंबर क्वेश्चन इज देयर इज इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम पोल टू इक्वेटर. हम लोग को इसमें से गलत चूज करना है. तो ये सही है. सेकेंड है, देयर इज इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड. नहीं, ये गलत है. तो और नीचे ऑप्शन देखते हैं. देयर इज़ एनर्जी, देयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड बायोडाइवर्सिटी. ये सही है. ट्रॉपिक्स हैज़ लेस सीजनल रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट. ये भी सही है. तो 76 का आंसर जो है वो 2 हो जाएगा. 77 नंबर क्वेश्चन है, इन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ऑन ए लॉगरिदम स्केल द रिलेशनशिप इज.
फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सेकेंड इज रेक्टेंगुलर पैराबोला, थर्ड स्ट्रेट लाइन, फोर्थ सिग्मॉइड. तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन. तो 77 का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा. अब 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. 78 नंबर क्वेश्चन है, इन इक्वेशन लॉग एस इज इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, व्हाट इज जेड? फर्स्ट स्पीशीज रिचनेस, सेकेंड एरिया, थर्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड फोर्थ वाई इंटरसेप्ट. तो वाई जो है, जेड जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है. तो 78 का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा. 79 नंबर क्वेश्चन इज रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ रीजन और रीजन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड डिस्कवर्ड बाय इकोलॉजिस्ट? फर्स्ट 0.621, 1.2, सेकेंड 1.15, थर्ड 1.122 एंड फोर्थ 0.12.2. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 0.12.2. ये सारा डाटा बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है, आने का चांस है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे सारा कलेक्ट करके बताया गया है. अब 80 नंबर क्वेश्चन है, फॉर फ्रुगिवरस बर्ड्स द वैल्यू ऑफ जेड सजेस्टेड का, फर्स्ट 0.12.2, सेकेंड 0.621.2, थर्ड 1.15, फोर्थ 11.5. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1.15. तो 80 का आंसर जो है 1 हो जाएगा. 81 नंबर क्वेश्चन इज मोर स्पीसीज इन कम्युनिटी टेंड्स टू मोर स्टेबिलिटी देन कम्युनिटीज विथ लेस स्पीसीज, इट वॉज सपोर्टेड बाई, फर्स्ट डेविड टिलमान, सेकेंड पॉल एल्ड्रिच, थर्ड हम्बल्ट एंड फोर्थ बोथ 1 और 2. तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो फोर्थ बोथ 1 और 2 जाएगा. तो 81 का आंसर जो है वो 4 हो जाएगा. 82 नंबर क्वेश्चन है, रिवेट पॉपिट हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, फर्स्ट टिलमान, सेकेंड हम्बोल्ट, थर्ड पॉल एल्ड्रिच एंड फोर्थ मायर. तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पॉल एल्ड्रिच. तो 82 का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा. 83 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग मैच ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज एज पर IUCN रेड लिस्ट 2004. फर्स्ट वर्टिब्रेट्स 338, सेकेंड इनवर्टिब्रेट्स 359, प्लांट्स 87, प्रोकैरियोट्स 2001. तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रोकैरियोट्स 2001. तो 83 का आंसर 4 हो जाएगा. 84 नंबर क्वेश्चन है, केयरफुल एनालिसिस रिकॉर्ड्स शो दैट एक्सटिंक्शन क्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम, सम ग्रुप्स लाइक डैश अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन. तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें फर्स्ट मेव्स है, सेकेंड मैमल्स, थर्ड फर्स्ट रेपिटाइल, सेकेंड मैमल्स, थर्ड एप्स, फोर्थ एम्फीबियंस. तो यहाँ पे एम्फीबियंस आएगा. 84 का आंसर जो है वो 4 हो जाएगा. 85 नंबर क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल वार्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू नियरली हाफ ऑफ द स्पीशीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन हाउ मेनी ईयर्स, फर्स्ट 100, सेकेंड 1000, थर्ड 50 एंड फोर्थ 400. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा विद इन 100 ईयर्स. तो 85 का आंसर जो है 1 हो जाएगा. 86 नंबर क्वेश्चन इज इन जनरल द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन मे नॉट लीड टू, फर्स्ट डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, सेकेंड लोअर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल परटर्बेशंस, थर्ड कॉन्स्टेंट पेस्ट एंड डिजीज साइकिल एंड फोर्थ इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस प्रोडक्टिविटी. इसका जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, कॉन्स्टेंट पेस्ट एंड डिजीज साइकिल. 87 नंबर क्वेश्चन इज फ्रॉम द एवेल क्वार्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, फर्स्ट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड ओवर एक्सप्लोइटेशन, थर्ड एयरलाइन, थर्ड एलाइन स्पीसीज इन्वेजन एंड फोर्थ को एक्सटिंक्शन. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन.